सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की जानिब से रियासती हुकूमत से ये शिकायत की गई कि बंगाल के मुस्लिम महलों में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। इस पर कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मारूफ काउंसलर जनाब फैज़ अहमद खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नज़रिया है, खासकर अकलियतों की तरफ, इससे हम लोग सभी जो है हम लोगों को जानकारी ये है कि ये खुली बात हो गई, आम हो गई कि बीजेपी की सरकार अपने देश के अकलियतों को पसंद नहीं करती, चाहे वो दलित हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो अन्य जाति के लोग हों, उनको पसंद नहीं करती। तो ये पसंद नहीं करने की वजह से आज ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रही है अपने ही देश के लोगों के खिलाफ कि देश के लोग नहीं मान रहे। अरे देश के लोग मान रहे हैं बोल के, कॉपरेट कर रहे हैं बोल के, तभी तो आज के दिन में रास्ता घाट खाली है, लोग घरों में बंद हैं, लोग परेशान हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि लॉकडाउन करने से पहले उन लोगों ने देश के लोगों को कितना घंटा का प्रिपरेशन टाइम दिया। आज ये परिस्थिति जो हुई है, हज़ारों लाखों के संख्या में लोग, आज हम लोगों ने देखा आनंद विहार दिल्ली में जो पूरे देश के जो मजदूर पीढ़ी थी, आज वो किस तरह से अटकी पड़ी है, उनके अपने घरों में जाने की सुविधाएं नहीं। तो आज सिर्फ ये कह देना कि मुसलमान इलाकों में राजा बाजार हो, तोपसिया इलाका हो, गार्डन भी, तो यहाँ माना नहीं जा रहा है। तो एलिगेशन तो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी के नेता बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और वहाँ किस तरह से लोगों का भीड़ हो रहा है। किस तरह से 23 तारीख को मध्य प्रदेश में सरकार गठन हुआ जब कोरोना वायरस का वायरस हमारे देश में आ चुका था। किस तरह से जो है हम लोग देखा है, कुछ दिन पहले देखे हैं कि तमिलनाडु में उनका जो एक गांव है उसमें लाखों की तादाद में उनका जो है क्या बोलते हैं धार्मिक एक प्रोसेशन निकला हुआ है। तो ये हो रहा है। देखिए हम किसी धर्म को सिंगल आउट नहीं करेंगे। मैं कहूँगा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जिनको मैं इग्नोरेंट कहूँगा, मैं उनको हिंदू मुसलमान या कोई जाति से नहीं जोड़ता। कुछ इग्नोरेंट लोग हैं जिनके समझ में नहीं आती, उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये टैग कर देना कि कोई नहीं मान रहा है और ये इलाके में नहीं मान रहा है। तो आपके माध्यम से, आपके पास मीडिया, आप लोग तो घूमते हैं, आप घूम के देखिए हमारे इलाके में कि कहाँ भीड़ भाड़। We'll be right back.